हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे आलू दो प्याजा। ये राजस्थान की फेमस सब्जियों में से एक है। इसको आलू प्याज की सब्जी भी बोल सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं गैस की तरफ और आलू दो प्याजा बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी ये आलू। ये बॉइल्ड आलू मैंने लिए हैं और इसको बीच में से कट कर लिया है। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे इस तरह से चलाते हुए। अभी इन आलू को हम एक साइड से थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, उसके बाद इसको टर्न करेंगे। ये आलू नीचे से थोड़े थोड़े फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक साइड से आलू फ्राई हो गए हैं, इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसको हम फ्राई करेंगे। ये आलू सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। ये सभी आलू को तलकर मैंने निकाल लिया है। अब इसी गरम तेल में मैं डालूंगी प्याज। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं और इनको इस तरह से रफली चॉप किया है। इसको भी हम शैलो फ्राई करेंगे। इसको हमें बहुत ज्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना है। ये देखिए, प्याज भी फ्राई हो गए हैं। इसको हमें थोड़ा थोड़ा सा ही गोल्डन करना है, बहुत अच्छे से हमें नहीं पकाना है, बस इसका कच्चापन थोड़ा सा हमें दूर करना है। इसको भी मैं निकाल लूंगी। प्याज को भी मैंने निकाल लिया है। अब इसी गरम तेल में हम डालेंगे जीरा। ये मैंने 1/2 टीस्पून जीरा लिया है। इसको इस तरह से थोड़ा सा हम चलाएंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी ये 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें गोल्डन होने तक अच्छे से भुनना है। ये देखिए, प्याज अच्छे से भुन गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 लंबी कटी हुई हरी मिर्ची। इसको भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा भुनेंगे। ये देखिए, ये हरी मिर्ची भी थोड़ी थोड़ी भुन गई है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं और उनको कद्दूकस किया है। आप चाहें तो टमाटर को मिक्सी में भी पीस सकते हैं। टमाटर को प्याज और हरी मिर्ची के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी नमक स्वादानुसार। हल्दी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्ची हम डालेंगे 1 टीस्पून। साथ में धनिया पाउडर ये 2 टीस्पून। इसी के साथ थोड़ी सी हम मिलाएंगे हींग, और साथ में डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। इन सभी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस मसाले को हम ऑयल रिलीज होने तक अच्छे से पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसको इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए, मसाले ने अच्छे से ऑयल रिलीज कर दिया है। मसाला बनके तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इस कश्मीरी लाल मिर्ची के पानी को हम इस मसाले में डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसको हम लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये मसाला अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे प्याज और साथ में डालेंगे ये फ्राई किए हुए आलू। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी लगभग 1/4 कप जितना पानी। पानी के साथ सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी मिला के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें एक बॉईल आने देते हैं। ये देखिए, सब्जी में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च डालने से इसमें कितना सुंदर कलर आया है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है।
होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।